हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। मेरा नाम है सहर। तो आप सबका बहुत ही ज्यादा स्वागत है हमारे चैनल पर। एक फिर से जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर किया करें। और आप सब बार बार मुझे पता है पूछने वाला है कि मेरी अम्मी कहाँ पे है। मेरी अम्मी की थोड़ी सी तबीयत खराब है जिसकी वजह से उनको भाई रेस्ट पे रखा गया है। वो मतलब आराम करें, थोड़ा ठीक हो जाए, फिर वो जरूर आएंगी वीडियोज में। तो आज की वीडियो लेकर आए नवरात्रि का स्पेशल ब्लॉग है शिवानी कुमारी। हाँ भाई, उनके ब्लॉग वगैरह बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा लोग उनको पसंद करते हैं। हमें भी रिक्वेस्ट की गई, तो ऐसा करते हैं उनका नवरात्रि का जो स्पेशल व्लॉग है ना वो देखते हैं, एंजॉय करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक देख के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखते हैं आज के दिन मेरे मम्मा खत्म हो गए थे। देखा जबरदस्ती लुआ जा रही कपड़ा खरीद दे, सबरी कन्या एक आए सा मैं लंगूरा सही थे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। स्वागत कर रहे हैं व्लॉग में। कैसे आप लोग फ्रेंड्स, 7:21 हो गए, हम तो उठ चुके हैं। रात में इतनी तेज मेरी खोपड़ी दर्द कर रहा है, अभी पट्टी मटाए दे रहे हैं। हवा लगी है तो सही रही है। नेरो ट्यूब वूब लगाओ, खून निकलो तो नेरो या पूरी गई थी। जी जी कन्या खवाई है, नौ दुर्गा चल रहे हैं आगे वजह से। जी जी दूध दो रही है, खीर बनाई जाये है। अब हम नौता जा रहे दिन सब बिटियन का। यू तो जग रहो है छल्ला लाई कार है जगनू वाली। तीसा बर्तन धो रही है आज, चलो काम तो हूँ कर रही जे। मानसी तैयार हो गई है, स्कूल जा रही है। इनकी ड्रेस नहीं बनी है, स्कूल ही मिले हैं तो मैडम जी ने कही थी 6-7 दिन में दई नहीं है। छोड़ दी पट्टी में क्या भाई, सर फट गया है। गुब्बारा फोरन लगे लठ में गुब्बारा बंधे थे, लड़का बटिया ना लठ खेचो सीधो मेरी खोपड़ी ही गिरो है। यार उनकी जुबान कितनी स्वीट है। मानसी का आराम है, सवेर बैठ कर जाती बस पर दिव्या पर संध्या पीछे रह जाती है। जिसे की तीनों मोहनी चली गई है स्कूल है, कन्या खवाई गई है, दूसरी बिटिया बुलाए लाई है। हम तो छत पर चढ़े आए, आज बादल है, घाम नहीं निकलो है। लग रहा यू बादल गेहूं है उन्हें कटन दिया मेरे, जब देखो तब बादल ही हो जात। छत पर लाल मिर्चा सूख रही है, गेहूं सम्मा पसरे डरे हैं। इसु डंबल तो जिम करके चले गए नीचे, संजा सवेरे उदो टाइम जिम करे थे। हमने कहा हम यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर दे, यहाँ की वजह से आए छत पर। पहले दिव्या पर जाते वीडियो अपलोड करन सवेरे ही सवेरे थे, अब तो 5G नेटवर्क ही पकड़ा था तो घर ही वीडियो अपलोड हो जाता है। आप लोगन का मेरे वीडियो के माध्यम से मोर तू देखने को मिल रही है, नच रही। क्या कह रही, कमेंट करके बताओ मेरा डांस कैसा लग रहा है। सही बात पर जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, आज 1 लाख तो ऊपर लाइक हो जाओ चाहिए वीडियो पर। इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोग, कमेंट तो एक कर ही दे करो कि हम ब्लॉग अच्छो बना कि खराब बना, कुछ कमेंट करो, लेकिन कमेंट करो यार। कितनी प्यारी जुबान, खोपड़िया तनक रही राजस्थान की नहीं लगती। चाहे कचू मेहनत तो करने पड़े है, आज के दिन मेरी मम्मा खत्म हो। सवेरे सवेरे हमने सपनों देखो तो मम्मा को, मम्मा आए हैं, मम्मा हमसे पूछ रहे का होगो बिट्टी, हमने की मेरी खोपड़ी फट गई तो कहा सही तरह आओ करो। तो हम रोन लगे, सही मेरी आँख ही खुल गई। उत्ते मम्मा का फूल उल चढ़ाई है जाए, टंकी भर गई, पानी बंद कर दे। देव मेरो बैनर पूरा फट गयो, थोड़े दिन में फिर मेरे बर्थडे आने वालो है, वीडियो तो अपलोड होगी। अब जा रहे हम नीचे, हम नौता दिन जा रहे कन्यान का। आओ पानी में रपट के ना कर जाए देवी मैया। लड़का बेटी इनकी कैसी कफलिया लगी, इतनी मुझे कटी हो बिल्कुल ऐसे बैठो। मेला दिख देखला पूरे भैया, दे रुपया मो 50 आन तो दे, 50 नहीं 500 दिए, 50 रुपया। तुम 50 ही दे दो, वही भाव था पूरे 500। 500 कह रहे आप लोग इनके सामने, 500 रुपया दिया मैं मेला दिख बेगला। आज मम्मा खत्म हो गए, फूल उल चढ़ा दे उन पर। अब ले आए हैं फूल, काम तो लगो है मेरे प्लाट में, मिस्त्री तराई कर रहे हैं, प्लास्टर करवे के लिए गाटर सबरे उतार के धर दे हैं। आज लाइट की कटिंग हो रही है, लाइट फिटिंग। अच्छा घर बनवा रही हैं है? पूरा उड़ रही है जबरदस्त कमरा में डिजाइन, देख कितनी VIP बन गई है प्लास्टर में यार। पूरा गांव टाइप को लुक दिए अपने घर में, हम जैसे गांव में पुराने जमाने में घर होते कर रहे हैं। जब कलर भरे जाए तब बहुत बढ़िया लगे। अब लाइट को सामान लेन जवाओ पर या दिव्या पर पूरे भैया भूत बन गए हैं। सराउंडिंग लाइट फिटिंग हो रही है, एक मिस्त्री बहुत ढीले हैं, बिल्कुल नहीं आता है। ज्ञान सिंह मिस्त्री ना हो तो बिल्कुल मेरा घर बन ना पाए, ये टाइम तो याद करा है काम पाए। गाटर पट्टियाँ सब उतार कर नीचे धर दई है, अब ये डाली गई है जब लाइट फिटिंग हो जाये है। नहीं बन रही भैया, तो का भूत ही तो बने हैं, ससुराल वाले देख लिया घर में आ वीडियो ना बना, वहाँ सारी देख लिया। 20-25 दिन में तो प्लास्टर ही हो पाया है, 2 दिन में लाइट फिटिंग हो जाये है, फिर हम पूरी गृहस्थी को सामान ले आई है। अच्छो अच्छो कन्या को नोएता आए आओ, सब अपनी बहन तक कह दियो कन्या को नोएता आए आओ। जी खाना बना रही का
मठा के आलू, मठा के आलू बन चुके हैं फ्रेंड करैया में। आज मेरे घर मठा के आलू बना जाए है मजेदार। मेरी खोपड़ी फट गई कितनी जबान स्वीट है। दो तीन कन्या तक आए थे, अब जा रहे गोरे लाल घर कान। एक नोता आया अभी तुम्हारी बिट्टी का और नोता रेखा बिटिया है क्या कह रहे कन्या खेबे में दे रहे। तब तक लाइट को सामान ले आओ, चले लाइट वालों परेशान है। तो चला फिर सामान ले आए, चले टेम्पो चले। मनी प्लांट तो लगो है, जैसो ही बढ़ रहा हूँ मनी प्लांट, तैसो रुपया बढ़े है। एक दिन हम टोल ले आए थे, मेरे इन पर जो सप्ताह पैसा वाले हैं उनके एकदम नाम ना लिए है ना भैया, कहीं हमारे इन तक टोल लगी थी तभी। यार कितना प्यारा बोलते, बड़ा मजा आ रहा है कब लोग देखने का। नाली में पानी पी रही, बुकरिया पानी पिया दे रहे, प्यास ही है नाली में पी रही। कन्या की कही आए हैं, अब थोड़ी देर में ना दो सबरी आ जाई है। जीजी खाना बना लिए तब फिर बुला ले ईसा। क्या बना रही जीजी? मटर के आलू बने, कितना मजेदार लोग। चुटिया तो पैसा नहीं कर पा रहे हैं खोपड़ी की वजह से, ऐसे जा रहे खोपड़ी फट गई है। तो वाले जने का तैयार ही रात है, हाल चले आए चलो लौट का ना लिया आ जल्दी हुई। शहर जा रही है लगता सामान खरीदने है। सामान सबरो तो ये जोरम भरवाए लो मने। 1500 received on phone pay। सामान सबरो खरीद लो। पाइप कितने लाए हैं सब? यार ये भी बड़ा अच्छा सिस्टम है। कपड़े दुकान की है बता। पेटीएम वाला है? ये हमारी आए हैं। कहां है कपड़ा लगता, कहां से लेवाए दम तो मैं? देखा देखा देख जबरदस्ती लेवाए जा रहे कपड़ा खरीद दे। एक ही एक जोड़ी खरीदे हैं सबका। आ गए कपड़न की दुकान पर। कपड़े की दुकान तो कुछ और ही दिख रहा है। कपड़ा है ना लोग इनका लिवाए थे, अच्छे अच्छे कपड़ा लाए हैं। ये बरात है जी अपने मामा ने संगे थोड़ ना हो कर जबरदस्ती बैठ गए टाइम पे। हम लोग जीजा मेरी मदद कराने जा रहे हैं, सामान हमारे दुआ ले हैं। जीजी ने सब खाना आना बना लो या गाँव का न्यू ना खवान लगी हो, जल्दी चलाओ छेती छेती चलो। फूल माला हमने ला ले हैं, अब चलो जल्दी, अब कुछ ना ही लेने हैं। कन्यान को सामान जीजी कल ही खरीद लाई गई थी, अपने प्लाट से आ गए हैं। राख डाल रहे हैं पाइप, देख लो सब सामान सही है। ये तो माल कपड़ा ले आए हम, देखो ईसा कर्नाटक जय मेरे संग है, या की वजह से ले आए हैं। खुश हो जाओ, अब जल्दी फ्रेंड मना ले जीजी ने खाना सबरो बना लो, फिर कन्या खबवा दे। हमने तो अना लो है फ्रेंड, मूड धो लो है, पूरे बालन में खून ऊन लगो तो इस वजह से दुब गो मूड बस। लेकिन मूड तो धो लो, दर्द बहुत तेज हो रही है इधर। अब जा रहे जी संगा ने पूरी बनवा ले जाए, और तो सब कुछ वो नहीं गो है। ईसा पूरी बेल गई है, मक्खियां गोड़े गोड़े मक्खियां देखो यार, इतने बढ़िया मक्खियां। जल्दी पूरी कुल लेट हो गो जी, अकेले कुल खाना बनाओ है। यूरबा को हलवा बनोगो है, ये मठा के आलू बन गए हैं, या खीर बन गई है, ये पुलाव बन गए हैं, इतना कुछ बन गया, ये छोले बन गए हैं। गुंजन संध्या घुट्टो की छुट्टी हुई गई है, आओ गई तो कन्या खाओ ली है। ना 12 बजे हो जा तब छुट्टी, जल्दी जल्दी करो भाई ये काम। अरे भगवान आ गौ पूरी बनी है ये, सब कन्या लंगूर आए गए हैं खाने के लिए। अब सबका हम माथे में पट्टी बांध दे। मैं
तो खाना परस दो है। सबरी कन्या का है सामे लंगूरा सहित छह लंगूरा बैठे हैं खाएवे के मठा के आलू कहूं कन्या ने नहीं खवाए मजा आ गया है समय भी बुला दो साइलो साइलो खाइयो तो सवा रुपया दी बड़ी मुश्किल में तो ये रुपया खुले कर आए पाए छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे वही खा रहे हैं पैसे आधी कन्या बहुत लेट हो गई स्कूल गई थी चार कन्या बाद में आए पाएंगे ले खाना बयाल खवा रहे तुम मामा सब लोग उठ जाओ खा लो हो तो चलो नसो खा लिया भी चलो मारो जात पानी के डरते हैं ले चलो तुम निकलो जल्दी अमुक कन्या खवा दीजिए क्या बड़ी कन्या खाया छोटी कन्या भाग खा के चली गई मटा के आलू इतने भर के भैया बनाए थे खत्म ये इतने बचे हैं अब ना हम काऊ कर दिए खत्म मटा के आलू अब का रहे बचे गोरे लाल खाए गए दवा खा ले मैं अब सवेरे खाना खा पावा लेट हो गए दवा खाए बिक मारे न तो आएगा मेरो गणेश भैया का ब्याह है शिवानी कुमारी और मिला हरियारी अरविंद संग सुषमा ब्याह हुआ मेरे गांव में पूरी घर मिले अब पूरे घर की सफाई हो पाई अब फेरी हो पाए 3:17 हो गए अब जा रहे मम्मा के घर है फूल उनका चढ़ाया जाए हम यहाँ एक सभा मना कर रखो कि रुइयो ना कोई अम्मा कहाँ है बुला लिया अम्मा के या कल थोड़ी ना माई तुम रो एक साल पता ही नहीं चलो कैसे चली गई मम्मा के बिना मम्मा का माला वाला चढ़ाए दे हैं आज के दिन मम्मा हम लोगन से दूर चले गए थे खूब मम्मा ना संग दो मेरो चले गए हम लोगन का छोड़ कर चिंता का ही ना करियो अब हम जा रहे हैं घर 4:14 हो गए संजा आ गई है खुश रहो अब फ्रेंड संजा आ गई हम वीडियो यहीं खत्म कर रहे हैं अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर चैनल सब्सक्राइब कर लियो बाय बाय जी तो गाइस ये थी आज की वीडियो भाई बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी वीडियो और शिवानी कुमारी इनका मैंने फर्स्ट टाइम व्लॉग देखा लेकिन यार इतनी स्वीट ये जुबान बोलती हैं पहले थोड़ा सा ना मुझे समझ में नहीं था आ रहा लेकिन बाद में जो है ना मुझे समझ में आने लग पड़ी इनकी पूरी की पूरी लैंग्वेज और सारा इन्होंने बहुत ही कमाल का व्लॉग बनाया और नवरात्रि के स्पेशल मौके पर उन्होंने सभी जो बच्चे हैं उनको बुला के उनको खाना खिलाया फिर उसके बाद उनको पैसे भी दिए और काफी अच्छा एक ना मतलब स्वीट सा व्लॉग है जो लविंग था और वो ना शुरू में वो था क्लिप के मेरे मम्मा मतलब मुझे लगा उनकी शायद माँ जो है ना उनकी शायद डेथ हो चुकी है तो उनकी माँ जो है ना वो इस दुनिया में नहीं है तो लेकिन बाद में मुझे पता चला मम्मा मतलब कि मामा जो अम्मी के भाई होते हैं ना वो मेरे भी भाई दो मतलब मेरे तीन मामू जो है ना मतलब उनकी जो है ना उनकी डेथ हो चुकी है वो भी मतलब मुझे मेरा उनसे इतना ज्यादा कुछ प्यार नहीं था लेकिन मेरी अम्मी का बहुत ही ज्यादा प्यार था और मेरी अम्मी के जो भाई बहन है ना उनमें से अम्मी की तीन बहनें उनकी डेथ हो चुकी है और एक मेरी अम्मी रह गई और एक उनके भाई रह गए तो अम्मी कभी कभी बहुत ज्यादा रोती होती हैं तो मुझे फील होता है कि भाई भाई बहन जब इस दुनिया से चले जाते हैं तो कितना ज्यादा आपको और जब सब बूढ़े हो रहे होते हैं ना तो उनको देख के कितना ज्यादा बुरा लगता है तो आजकल मेरी अम्मी की जो है ना वो तबीयत कुछ ठीक नहीं है मतलब उनको देख के ना मुझे खुद आंखों में ना ऐसे मैं देख रही थी तो मेरे खुद ना आंखें बह रही हैं कि मेरी अम्मी की तबीयत मतलब मैं और अम्मी अकेले रहते हैं तो बहुत ज्यादा डर लगता है बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हूँ कभी कभी कि उनके बिना कौन है मेरा क्या होगा अल्लाह माफ करे सच्ची में मेरा दिल के सोच के भी मेरा दिल डरने लग जाता है तो अभी भी वो बिस्तर पर लेटी हुई है मैंने उनको बोला कि अगर आपको जरूरत होगी तो मुझे फौरन आवाज दीजिएगा मैं उसी टाइम आ जाऊंगी तो
उनकी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने काफी ज्यादा उनको मालिश वगैरह की मेडिसिन भी दी है, फिर से देखती हूँ कि अभी उनकी क्या हालत है। लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यार प्लीज मेरी अम्मी के लिए दुआ करना कि वो ठीक हो जाए। मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ कुछ दिन से, तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज उनके लिए दुआ करें। और नवरात्रि की आप सबको बहुत ज्यादा शुभकामनाएं। जिस दिन ईद थी उस दिन ही मतलब नवरात्रि भी थी, तो आप सब ने नवरात्रि बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट की होगी। और इस नवरात्रि के मौके पर आप सब के जो भी अपने चाहने वाले हैं, जो भी दोस्त हैं, वो सब आपके साथ मिलकर रहें, उनकी जिंदगी अच्छी रहे और वो सेहत और तंदुरुस्ती अगर लाइफ में होती है ना, तो आप बहुत ज्यादा ना कुछ कर पाते हो। और जब इंसान बीमार पड़ जाता है ना, तो उसको ऐसा लगता है कि बस सब कुछ खत्म हो चुका है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी अम्मी के लिए दुआ करें ताकि वो जल्दी से जल्दी ठीक होकर मेरे साथ जो है ना वो वीडियोस बना सके। और इनकी वीडियो देख के भी काफी ज्यादा अच्छा लगा, मोटिवेशन मिली। जैसे मैं व्लॉग बनाती हूँ ना, हम भी एक विलेज में ही रहते हैं, वैसे ये भी एक विलेजर ही है, विलेज में रहती हैं। तो इनकी वीडियो में मैंने खुद को पाया है, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं ही वीडियो बना रही हूँ, बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे ही हमें भी सपोर्ट करते रहिए, इनको भी सपोर्ट कीजिए। तो आप सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया प्यार देने का, मोहब्बत देने का। फिर आपको मिलते हैं एक और वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, चलते हैं, अल्लाह हाफिज़।